तो एक बार यार आज का मौसम, ये सारे मेरे फॉलोअर्स पर यहाँ का भैया देख के ही मनोहित हो गए थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे आप सब, होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज है संडे और अभी बजे हैं सुबह के 5 और हम हैं अभी तैयार एक राइड पे जाने के लिए संडे की हमेशा की तरह। और हमारे पास अभी खड़ी है हमारी MT-15 और R15 और उधर है 390 जो कि अपने हेमंत, विशाल और मेरी। और अभी थोड़ी देर में अपने एक 2-3 दोस्त है जो अपन को अजमेरी गेट मिलने वाले हैं, तो साथ में हम राइड करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो अभी निकलते हैं, उसके बाद आपको आगे का सीन दिखाते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ से हम निकल रहे हैं अब और देखते हैं अब कौन कौन आता है। वैसे बोला तो मैंने किसी को भी नहीं है। रात को सोने से 1 घंटे पहले हमारा ये सब डिसाइड हुआ है कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। ड्यूक 200 वाला एक भाई है, वो भी आ रहा है, वो अपने अजमेरी गेट वहाँ मिलेंगे। और 2-4 लड़के और है अपने समीर ऐसे नाम है उनका एक का, तो जो अपन को अजमेरी गेट मिलेगा। ओ भाई, और वैसे आज तो मौसम देख सकते हो, तो ऐसे ही बहुत खतरनाक भीड़ होने वाली है नाहरगढ़ पे और बहुत खतरनाक व्यू होने वाला है। और राइडर्स मिलेंगे अपन को जहाँ तक है बहुत सारे। भाई सामने आप देख सकते हो हम आ चुके हैं JLN मार्ग वाले रोड पे और यहाँ से हम निकलेंगे सीधा त्रिमूर्ति से सीधा हम अजमेरी गेट जाएंगे यहाँ से, जो कि अपने दोस्त आने वाले हैं। तो गाइस जयपुर वालों को सुकून मिल चुका है बारिश की वजह से और अब थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, हालात अच्छे हो चुके हैं। नहीं तो लोग मरे जा रहे थे गर्मी से, कितनी खतरनाक गर्मी हो रही है, 41 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है। क्या हो गया, मज़े आ रहे हैं सुबह सुबह? तो विशाल को तगड़े वाले मज़े आ रहे हैं क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है अभी। और मौसम देख सकते हो कितना प्यारा हो रहा, रोड एकदम पूरी गीली है। हम जाने वाले हैं नाहरगढ़, जो कि आपको पता ही है जयपुर की सबसे शानदार जगह है और वहाँ तो अलग ही व्यू होगा। आप अगर जाओगे तो ऊपर की साइड, तो आज आपको दिखाते हैं हम ऊपर जाके कि क्या सीन है वहाँ का। जो भाई सुपर बाइक आ चुकी है। ओबे इसकी टांग। अबे ये कौन सी थी बे? ये कौन सी थी? मैंने पहली बार देखी इसको। हैं? कौन सी है ये? कौन सी है? अच्छा वो 600 नई वाली है ना। तो गाइस देखो सुपर बाइक लेके बिना हेलमेट उसको भगा रहा है यहाँ पे और एकदम बारिश वाले मौसम में, तो थोड़ा सा सेफ्टी की ध्यान रखना जरूरी है। हमारे पास तो देखो छोटी छोटी 155 cc एक ही है, 390 cc वो सारी 155 cc वाली बाइक है, हम इनमें खुश है। और ये पता नहीं कौन है। ओ भैया नमस्ते, बस बढ़िया ब्रो। देखो किस्मत, हम पता है रात में 1 घंटे पहले हमने प्लान बनाया जाने का, वो भी उसकी वजह से कि चलते हैं यार। बोले ठीक है, अरे मस्त मौसम अच्छा हो रहा है ना आज। देखो नाहरगढ़ी जा रहे, अब देखो आज बहुत दिन हो गए मेरे बनाए। वैसे उधर से तो बंद है ना, तो इधर से फाइनली समीर आ चुका 2 घंटे के बाद वेट करने के बाद, और ये भैया भी आ चुके हैं। तो गाइज ये है हमारा आज का ग्रुप जो कि हमारे साथ राइड करने वाला है। और देख सकते हो आप कितनी सारी बाइकें हो गई, सारी यामा की है और एक ड्यूक 200 ड्यूक 390 है और सारी R15 और 2 MT है इसमें। ठीक है, तो अभी निकलते गाइज यहाँ से और सभी भाइयों को बोलते हैं ओए चलो और आराम से चलियो, ओए आगे चलो जिसको रास्ता पता है। तो गाइस अभी निकलते हैं हम, चलो जिस रास्ता पता है तेरे को, अभी की चल रहा है आगे। तो सारे भाई गाइस पीछे आ रहे हैं हमारे, जो भी हमारे साथ में है। तो ये देखो भैया 1 घंटे पहले बोला है इनको हमने, तभी आए सुबह सुबह, तो भाई जुनून होना चाहिए भाई आने का। और क्या है राइड पे, तो और आधे हमारे भाई है जो है ही नहीं यहाँ पे, जैसे क्रियांशु और पल्लव ने कोई मैसेज नहीं किया किसी चीज़ के लिए। तो फिर अभी सुबह कॉल किया था हमने उसको, यहीं चले ना इधर से। और
गाइस हम एंटर हो चुके हैं पुराने जयपुर के अंदर। इसी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है अगर अपन देखा जाए तो जयपुर के अंदर। तो भगवान से होप है कि आप कुछ भी ऐसा मत करना, हमारी राइड में दखल मत करना, सब अच्छे से जाए, सब अच्छे से आए। ओ हो हो, आराम से भाई, आराम से। भाई एक बार लाउड चेक करो बाइकों का, कितनी खतरनाक आवाज कर रही है। और देखो यहाँ 112, यहाँ पे बहुत पुलिस मिलेगी अपन को, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पुलिस होती है। ओ भाई लाउड देखो, तो गाइस अगले ब्लॉग में हम नहीं देंगे अपनी बाइक, हम अब अपनी बाइक ही चलाएंगे क्योंकि यार दूसरे वाली बाइक पे ज़्यादा मज़े नहीं आते। खुद वाली बाइक को अपन कैसे भी चला लो एकदम खुल के बिना किसी टेंशन के। ये अब तो अगले संडे मिलेगी। तो एक बार यार आज का मौसम और आज की वादियाँ, तगड़ा माहौल होने वाला है भाई आज तो, एकदम शानदार वाला नारगढ़ पे। तो भाई आज बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा रिएक्शन और बहुत ज़्यादा राइडर्स दिखने वाले हैं अपन को नारगढ़ के ऊपर। रोक दे। तो गाइज हम अपनी बाइक चेंज करने वाले हैं अब। तो फाइनल गाइज हमारी ऐश्वर्या वापस आ चुकी है हमारे हाथ में और अब निकलते हैं हम। तो मेरे को बस इसमें हैंडलिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है मोड़ने के अंदर, इधर राइट की साइड में मोड़ रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है मेरे को। हम अपनी मर्यादा में चलेंगे एक साइड में अपनी तरफ। गाइस हम एंटर कर चुके हैं नारगढ़ में। पीछे चल, पीछे या आगे चल, या पीछे चल। अरे भाई अजय मत करे, देखो अजय तो पूरी हैंडलिंग बाहर है ना मेरा, इधर की साइड जा रहा, बहुत दिक्कत आ रही है बाइक चलाने मेरे को। देख के तो एक बार वादियां देखो नारगढ़ की, कितनी प्यारी लग रही है बारिश के दिनों में, कितनी खतरनाक सीन होता है यहाँ का। और राइडर्स देख सकते हो कितने सारे हैं यहाँ पे भाई, माहौल बना देते हैं ये सब। और तो अपन को देख के कोई और भी मतलब बकचोदी करेगा तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। सब लड़कियां लेके जाते हैं भाई, हमारे पास तो लड़की ही नहीं है। तो एक बार ये वाला व्यू चेक करो, कितना खतरनाक व्यू है। नीचे से देखो कैसे लाइन अप बना के गाड़ियां आ रही है ना, कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट इतने सारे हैं, तो एक बार ऊपर जाके आपको ये सीन दिखाऊंगा, इससे खतरनाक खतरनाक सीन है। आप ऊपर की साइड
यहाँ से तो कुछ नहीं है। एक बार ये वाला व्यू देखो, यहाँ से जल महल पूरा दिखता है। और क्या ही बताऊँ इसके बारे में, तो यार ये जयपुर वालों का प्यार है। ओ इसकी बहन का ये हैंडल अपन को ठीक करवाना पड़ेगा, नहीं तो किसी दिन मेरे साथ गंदा वाला एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि ये पूरा मुड़ ही नहीं रहा है मेरे से। बहुत जोर आ रहा है मेरे को घुमाने में। देखो गिरेंगे तो हम इससे नहीं, क्योंकि दोनों टायर्स खतरनाक है अपने भाई, 160 mm का और आगे 120 का, और पूरे लीन के लिए बने हुए हैं दोनों टायर, तो गिरने का कोई चांस नहीं है। बस थोड़ा सा फिसलन हो गई, अगर गलती से किस्मत खराब हुई तो हम गिर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं गिरेंगे। और किस्मत ही खराब हुई तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। एक बार अब ये वाला व्यू चेक करो, दूसरा वाला व्यू नहीं, सामने वाला व्यू चेक करो, ठीक है? कुछ और ही चेक करने लग जाते हो यार आप भी। देखो पूरा आगे जाम होगा पक्का, क्योंकि मैंने कहा था बहुत खतरनाक जाम लगने वाला है आगे। है? क्या कह रहा है? गाइज आगे देख सकते हो कितना गंदा वाला जाम लगा हुआ है। मैंने पहले ही कह दिया था कि जयपुर में आज एक महीने बाद ऐसा मौसम हुआ है, तो घर में कोई नहीं बैठेगा, जो भी बाहर घूमने आते हैं वो सारे बाहर घूमने आएंगे। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। क्यों नहीं जा सकते जब लड़कियां जा सकती? ओ हो हो किरी ओ हो तो गाइस आगे पूरा एकदम जाम लगा हुआ है, तो यहीं अपनी बाइकें खड़ी कर रहे हैं अब, तो अंदर यहीं लेते हैं। और यहाँ देखो जो भी यहाँ के मतलब लड़के हैं, जो भी साफ़ सफाई रखते हैं, उन्होंने देखो पूरा एकदम पूरा बियर की बोतलें जो भी गंदगी थी यहाँ पे पूरी सफाई कर रखी है। कितना प्यारा लग रहा है ये वाला जगह देखो। और आगे देख सकते हो पूरा जयपुर कैसे लग रहा है, छोटा छोटा एकदम। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पर। वैसे ये लोकेशन नहीं थी, क्योंकि आगे जाम लग रहा है इसलिए हम आगे गए नहीं, तो हम नॉर्मल यहीं रुक चुके हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे भीड़ भाड़ कितनी खतरनाक है। और ये वाला व्यू चेक करो एक बार, जल महल का कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। तो अभी हम यहाँ पे कुछ शूट करेंगे और यही आपको दिखाना था मेरे को, जो एकदम जयपुर की शान है एक बार क्या ही बोलूँ। अगर थोड़ा रात में आते अगर रात में यहाँ पे आते ना, तो ये जो पूरा जो नीचे के जो पूरी घर दिख रहे हैं इनमें लाइटिंग होती है, बहुत तगड़ी वाली लाइटिंग होती है, तो अलग ही। और वहाँ देख सकते हो बारिश हो रही है हल्की हल्की, इसकी वजह से वहाँ पे धारियाँ बनी हुई है बादलों से। गाइस हम लोकेशन पे तो पहुँच चुके हैं, और आपको एक बार मीटअप दिखा देता हूँ हमारा। ये सारे मेरे से मिलने आए हैं मेरे फॉलोअर्स, देख सकते हो
इतने सारे ये सारे फॉलोअर्स है भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। आज आप थोड़ा सा उदास उदास लग रहे हो, क्या बात है? पब्लिक पागल हो गई है, मेरे पागल हो गई टीचर राजू भाई को घल्ले जाने में, आज पागल हो गए सारी पब्लिक, पत्थर मार रही है मारी ना लाइक भाई। हेटर्स भी आते हैं कभी कभार, ये हेटर्स है, ये हेटर्स, ये भी जवान पत्थर मारने वाला। तो गाइस मैं पत्थर नहीं मार रहा था, ये मुंह मार रहे थे। बोलो जुआ केसरी। तो एक बार हमारे बाइकों का लाइनअप चेक करो, हमारे पास है अभी MT-15, उसके बाद है R15 मॉन्स्टर M और ये ड्यूक 200 और ड्यूक 390 और R15 M है ना ये, और R15 M, ये भी सेम, और ये हमारी MT-15 जो कि पहले यही थी हमारे पास इसी कलर में, तो बाद में हमने रेपिंग करवा के वैसी करवा दी। राजू मंडा जाऊं करके काट पे मारा 100 के बोल और देगा भाई, यो सब मुझे कौन बताया दो, आज हम केक काटने वाले। तो गाइस यहां से थोड़ी देर में निकलते हैं और आगे की तरफ अगर जाएंगे हम तो आगे का व्यू दिखाएंगे आपको। तो गाइस इतनी गंदी तरीके से हम बच के आए, इतने ट्रैफिक से, और यहां भी ट्रैफिक है। तो गाइस देख सकते हो हमारी बाइक दे रही है 43 का एवरेज, इसकी बहन का इतने मोटे टायर के साथ देख। ये बंदा है ना, इसकी 50 की देती है। अरे तो भाई उसकी मेरी देखना उससे कितना अलग है, एक जोश लगा है ऊपर से। हाँ कितनी? 35। पता नहीं हो तुम्हारी कितनी देती है, मेरे 45 तक का देती लास्ट। मेरे मॉन्स्टर तो 35 का देती है, हाईवे पे भी 35 ही देती है, गया था ना 35 का एवरेज। कहा था ना हैंडलिंग की वजह से होता है, हैंडलिंग है ना बगड़ी हुई। गाइस बच गए भाई टर्निंग पॉइंट पे, क्योंकि मेरा हैंडलिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कितनी गंदी तरीके से घूमता है ये। तो गाइस जब यहाँ की लोकेशन चेक करो, हम दूसरी पॉइंट लोकेशन पे आ चुके हैं। एक बार यहाँ से नज़दीक देखो कितना प्यारा लग रहा है सीन, और अभी तो बच ही गए हम भगवान की कृपा से। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं हम, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि धूप होने वाली है, सूरज देखो बाहर निकलने वाला है और गंदी वाली होने वाली है हालत ख़राब फिर। तो गाइस ये खड़ा मॉन्स्टर सबका बाप S1000 RR। भाई साहब आग लग है। तो गाइस देखा आपने कितना खतरनाक साउंड है, अब देखना भाई को व्हीली आती तो और मजे आ जाते, पर व्हीली नहीं आती। तो ये आ गए रॉयल एनफील्ड वाले, पट 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 पट। भाई ये मरवाएंगे कुछ नहीं, आगे पकड़ लेंगे। तेरी सब पकड़ लेंगे आगे वे। अरे भाई आ
तो गाइस ऐसी जगह से आप निकल लो वही अच्छा है, क्योंकि अभी PCR गई है, झड़ लेगी तो फालतू का चौंसले हो जाएंगे। इधर रोक इधर रोक इधर रोक। तो गाइस अभी हम घर के लिए निकल चुके हैं, थोड़ा वहां पे पता नहीं हरकतें करने लगे थे बहुत गंदी वाली, और एक बार ये वादियां दिखा देता हूँ लास्ट टाइम आपको तारगढ़ की। तो गाइस अगर की आज की संडे राइड और आज का व्यू और आज की बारिश और आज की भीड़ और आज की लोकेशन अगर आपको अच्छी लगती है और आज का ब्लॉग अच्छा लगता है तो जाके कमेंट कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।